Hello and good morning children. Today we are here to make a beautiful butterfly in the easiest way, and then we will color it with blue color. Okay? Parents, आप बच्चों को ये butterfly बनाने में help भी कर सकते हैं, या फिर आप इस butterfly को खुद बनाकर बच्चों को कलर करने के लिए दे सकते हैं। अगर बच्चे इसको खुद बनाना चाहते हैं या वो बना पाएंगे तो आप उनको खुद बनाने के लिए दें। नाउ टुडे आई विल टीच यू हाउ टू ड्रॉ दिस बटरफ्लाई। फर्स्ट वी विल ड्रॉ द विंग्स। हम लोग सबसे पहले बटरफ्लाई का विंग बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से 3 लिखेंगे, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी आसानी से एक बटरफ्लाई बना पाएंगे। इस तरह से आप एक 3 लिखेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ में आप एक उल्टा 3 लिखेंगे इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने एक सीधा 3 और एक उल्टा 3 लिखा है, ठीक है। अब आप बटरफ्लाई का बॉडी बनाएंगे इस तरह से, और एक ओवल शेप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये बहुत ही इजी वे है बटरफ्लाई बनाने का। आप खुद से इसको बना सकते हैं या आप अपने मम्मी या पापा के हेल्प से भी इसको बना सकते हैं और फिर इसको कलर करेंगे, ठीक है। ये एक बटरफ्लाई का बॉडी हो गया, आप देख सकते हैं। अब ये हम बनाएंगे यहाँ पे बटरफ्लाई का फेस, है ना। इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे, ये बटरफ्लाई का फेस है। आप इस तरह से इसमें आईज और इस तरह से इसका स्माइली बना सकते हैं। ये आपकी बटरफ्लाई स्माइल भी करेगी, है ना। नाउ These are the antennas. आपने पढ़ा था ना हमने insects के बारे में, insects के head के ऊपर इस तरह से antennas होते हैं, है ना। तो आप इस तरह से antennas बनाएंगे। Then the next step, आप इस तरह से half कर्व्स इस तरह से बनाएंगे। ये बटरफ्लाई की बॉडी है, इस तरफ से हम लोग कर्व्स बनाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ अ सर्कल। आप इसके विंग्स पे इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे इस तरह से, और नीचे के विंग्स में भी इस तरह से सर्कल बना देंगे। ये आपका बटरफ्लाई रेडी है। अब आपको इसको कलर करना है। किस कलर से कलर करना है? यस, ब्लू कलर से कलर करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का क्रेयॉन्स लिया है। अब हम इसको कलर करेंगे इस तरह से। आपको मैंने पहले भी बताया है ना, जब भी हम कलर करेंगे हम एक ही डायरेक्शन में करेंगे अच्छे से, और कलर इस आउटलाइन के बाहर नहीं निकालेंगे। ये जो
बटरफ्लाई हमने बनाया है, ये आउटलाइन है इसका जो पेंसिल से हमने ड्रॉ किया है। तो अब कलर हम आउटलाइन के अंदर करेंगे, वो भी सेम डायरेक्शन में। अगर हम इस तरह से कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, तो हम लेफ़्ट टू राइट में ही कलर करेंगे और कलर को आउटलाइन से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसके सारे विंग्स में इस तरह से ब्लू कलर कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये मैंने बटरफ्लाई को पूरा ब्लू कलर से कलर कर लिया है ना। आपको भी इसी तरह से करना है। आप देख सकते हैं आउटलाइन के बाहर कलर नहीं निकालना है, आपको आउटलाइन के अंदर कलर करना है। पेरेंट्स, आप बटरफ्लाई बनाने में आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं, पर कलर करने के लिए उनको खुद को बोले, वो खुद से कलर करने जानते हैं हम, इसीलिए कलर उनको खुद से करने दें। आप ड्राइंग करने में उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। नाउ चिल्ड्रन, यू कैन ऑल्सो कलर दीज सर्कल्स ब्लैक लाइक दिस। इससे आपकी बटरफ्लाई और भी सुंदर दिखेगी। इस तरह से आप सर्कल को ब्लैक कलर कर ले, सारे सर्कल्स को जो आपने विंग्स पे बनाए हैं, वो सारे सर्कल को आप ब्लैक कलर से कलर कर ले। याद रखिएगा, आपको ये कलर भी आउटलाइन के अंदर करना है, ये सर्कल के आउटलाइन के अंदर है ना, ये आपको बाहर नहीं निकालना है, आपको ब्लू में मिक्स नहीं करना है। ओके, नाउ यू कैन यूज़ येलो कलर टू कलर इट्स बॉडी। इस तरह से आपको आउटलाइन के अंदर कलर करना है एक ही डायरेक्शन में नाइसली, बाहर नहीं निकालेंगे। इस तरह से आप पूरी बॉडी में येलो कलर कर सकते हैं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं ये बॉडी को मैंने पूरा येलो किया है। ठीक है, अब आप जानते हैं आपको बटरफ्लाई किस तरह से बनाना है और उसको कलर करना है। ठीक है, आपको अपने ड्राइंग कॉपी में ये वर्क करना है अच्छे से, एकदम साफ से। ये बटरफ्लाई आप पहले अपने मम्मी पापा के हेल्प से बनाएंगे और फिर उसको ब्लू ब्लैक एंड येलो कलर से पूरे कलर करेंगे। ओके, थैंक यू।